कर्वेचर एंड टार्सन, इस चैप्टर से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया है, उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन और आपके सामने हमने रखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम लोग आवें, उससे पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है तो उस पर एक बार आप विचार करें। तो इसमें दिया गया कि सो दैट इफ द स्पेस कर्व सी, एक कर्व दिया गया है जिसको डिनोट किया गया सी से, और ये उसका इक्वेशन दिया है, यानी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस, एस यहाँ आर्क लेंथ है, यानी इसकी जो वैल्यू दी गई है वो आर्क लेंथ के टर्म में दिया गया, पैरामीटर के टर्म में नहीं है। हैज कांस्टेंट टार्सन टाउ, ये कर्व जो सी है जिसका आर्क लेंथ के टर्म में यह इक्वेशन दिया गया है, वो कर्व इस तरह से है कि उसका जो टार्सन है वो टार्सन कांस्टेंट है। ये दिया गया क्वेश्चन में कि ये कर्व सी है जिसका यह इक्वेशन है और उसका जो टार्सन है वो कांस्टेंट है। फिर आगे करना क्या है, देन द कर्व सी वन, अब ये दूसरा कर्व है, एक दो कर्व है, एक कर्व को सी से डिनोट किया है और उसका इक्वेशन ये है, और दूसरा कर्व हमारा सी वन से डिनोट किया गया है। इस सी वन की जो भी वैल्यू है वो सब हम वन सफिक्स के साथ डिनोट करेंगे, यानी जो कर्व सी है तो उसका यह है एक्स आई एस के टर्म में है, और यह जो सी वन होगा उसका जो इक्वेशन होगा वो एक्स वन आई या एक्स वन आई एस वन, यानी एक्स वन और एक्स आई में वन सफिक्स का ये डिफरेंस रहेगा। ये तो इस एक्स वन आई यानी इस कर्व सी वन की जो एक्स वन आई है उसकी वैल्यू दी गई है माइनस टाऊ माइनस पी आई बाई टाऊ और प्लस इंटीग्रेशन बी आई डी एस हैज कांस्टेंट कर्वेचर प्लस माइनस टाऊ। हमको ये दिखाना है कि जो कर्व सी वन है जिसके सारे जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो हमारे वन सफिक्स के साथ आएंगे, यानी सी के लिए यदि हम टेंजेंट डिनोट करेंगे टी से तो सी वन के लिए टी वन से, यदि सी के लिए पी वन से तो हम पी के लिए पी आई से तो सी वन के लिए पी वन आई, यानी जो भी हमारे यूनिट वेक्टर है जाए इसका आर्क लेंथ को एस से तो सी वन के आर्क लेंथ को एस वन से डिनोट करेंगे। ये दोनों कर्व में ये डिस्टिंग्विश करने का एक हमारा ही आधार है। तो कहा जा रहा है कि इस कर्व में एक्स वन आई यानी इसका जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू यह दिया गया, तब यह देखें पी आई है, ये पी वन नहीं है तो पी आई है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कर्व सी का है, वो हमारा एक्स वन का नहीं है, ये टार्सन टाउ ये हमारा कर्व सी का है, जब इसका आएगा तो यहाँ टाउ वन आएगा पी वन आएगा, ये इंटीग्रेशन बी आई बाई नॉर्मल का यूनिट वेक्टर लेकिन ये कर्व सी का है, अब इसका जब सी वन का आएगा तो वह बी वन आई आएगा, तो इसका एक्स वन आई है एक्स वन इसका है और इसकी वैल्यू इस कर्व के इस रिलेशन के इक्वल है, तब हमको ये दिखा देना है कि जो ये कर्व सी वन होगा उसका जो कर्वेचर होगा वो हमारा प्लस माइनस टाउ होगा और वो कांस्टेंट होगा, जब इसकी वैल्यू प्लस माइनस टाउ आएगा तो टाउ हमारा पहले कर्व का टार्सन है जो क्वेश्चन में दिया गया कि कांस्टेंट है, तो इट मीन्स हमका एक्स वन आई जो कर्व सी वन है उसका कर्वेचर निकालना है, तो उसके कर्वेचर को डिनोट करेंगे कप्पा वन से, उसके टार्सन को डिनोट करेंगे टाऊ वन से, तो हमारा इस कर्व सी वन का एक्स वन की वैल्यू दी गई है, और तब इसका जो कर्वेचर होगा वो कर्वेचर हमारा प्लस माइनस टाऊ होगा और टाऊ कर्व सी का टार्सन है जो कांस्टेंट दिया है, तो इसका जो कर्वेचर आएगा जो प्लस माइनस टाऊ होगा तो वो ऑलरेडी टाऊ कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमको इस बात को दिखाना है, तो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। अब देखें इस कर्व को ये कर्व सी वन इसका इक्वेशन जो दिया गया है वो एक्स वन आई इज इक्वल टू माइनस पी आई
और अपॉन टाउ और प्लस ए इंटीग्रेशन बी आई और डी एस, ये कर्व सीवन का ये इक्वेशन दिया गया है। लेकिन ये ध्यान देंगे कि एक्स वन आई सीवन का है, लेकिन ये सारी जो क्वांटिटी है वो कर्व सी का है, यानी इस सी के इस वैल्यू के इक्वल इस कर्व सीवन का एक्स वन आई है। तो इसको इसका कर्वेचर क्या होगा ये हमको निकालना है। अभी देखिए ये वर्क हम लोग शुरू किए हैं, यहाँ आगे हम लोगों के जो आगे जब डीजी में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे कर्व होंगे और उसका कर्वेचर पूछेगा, उसका टार्सन पूछेगा। लेकिन वो जो कर्व रहेगा वो हमारा जो फार्म जैसे एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स थ्री की वैल्यू और उसको डिफ्रेंशिएट करके जो फार्मूले में लिखते थे उससे हमको नहीं निकालना होता है। उसमें सबकी वैल्यू जैसे यही कर्व का इक्वेशन दे दिया है, अब इसका यूज करते हुए टार्सन की वैल्यू निकालना हो, कर्वेचर का निकालना हो, तो जो डिटर्मिनेंट के फार्म है उससे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स थ्री की वैल्यू सबका अलग अलग नहीं दिया गया। तो हम कैसे निकालेंगे, अब यही एक वर्क रहेगा जो हमारे आगे के क्वेश्चन में, जैसे कर्व सी वन का दिया गया है कि एक्स वन है और ऊपर भी एक्स वन होता है, इसकी वैल्यू दे देता एक कॉस थीटा, चाहे हमारा यह एक्स वन और एक्स टू इसकी वैल्यू दे देता ए साइन थीटा, एक्स वन और ऊपर एक्स थ्री होता उसकी वैल्यू दे देता ए थीटा, चाहे कुछ भी दे देता ए साइन थीटा, और तब उसका टार्सन निकालना होता, कर्वेचर निकालना होता। तब उसका हम जो पीछे फार्मूले का यूज किए हैं कि उसमें हम क्या करें, एक्स डॉट वन निकाले, एक्स डॉट टू निकाले, एक्स डॉट थ्री निकाले, और तब एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट वन का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट टू का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट, इस तरह से जो पीछे फार्मूले का यूज किया है उसका कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स थ्री की वैल्यू ये अलग अलग नहीं किया गया, तो इन परिस्थितियों में हम कर्वेचर कैसे निकालें, टार्सन कैसे निकालें, इसका एक वर्क है, उसको वर्क करने का एक तरीका है। अभी हमारे पास केवल कर्वेचर पूछ रहा है, टार्सन नहीं पूछ रहा है, तो अभी हम कर्वेचर कैसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमारा x1, x2, x3 इसकी वैल्यू अलग अलग न दिया गया हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए देखें, x1 ये दिया गया है i, तो इसको s1 या अभी आप 1 छोड़ दें, केवल एक्स आई इसके टर्म में यदि कोई ये इक्वेशन दिया गया है, अब इससे आपको जब निकालना होगा कि हमारा कर्वेचर कैसे निकलेगा, तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे कर्वेचर आएगा, तो अलग अलग होता तब तो हम पीछे फार्मूले से जो कर्वेचर और टेंसर निकालते रहे उससे निकाल लेते। जैसे हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं एक्स डॉट वन, एक्स डॉट टू, एक्स डॉट थ्री, तो जब x1, x2, x3 अलग अलग रहेगा तो हम उसका हम डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू लिखेंगे, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब इन क्वेश्चन में हम कैसे निकालते हैं कर्वेचर, कैसे टार्सन निकालते हैं, इसका एक वर्क जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स आई को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह एक्स आई डैश देगा, एक्स आई डैश देगा, और एक्स आई डैश का मतलब डी एक्स आई बाई डी एस, और उसी को डिनोट करते हैं टी आई से, टी आई यहाँ हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस टी आई को फिर डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमारा आएगा टी आई डैश, और टी आई डैश की वैल्यू हमको मालूम है कप्पा पी आई। अब यहाँ से एक कप्पा हमको निकल आया और उस कर्वेचर की वैल्यू को निकालेंगे, ये हमारा प्रोसीजर रहे, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं चलेगा कि हम आखिर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उसी के लिए ये आपको मैंने इसका रोड मैप दे दिया, अब इस वर्क को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमको जो निकालना है कर्वेचर, वो कर्व सी वन का निकालना है, वो हमारा कर्व सी का नहीं, तो यहाँ जो वैल्यू है ये सब एस के, ये हमारा कर्व सी का है, तो कर्व सी के आर्क लेंथ को एस से मेजर करेंगे और कर्व सी वन के आर्क लेंथ को एस वन से मेजर करेंगे। तो यदि हम इसको यस वन से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा ये यस का है, ये यस वन से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, और यदि इसको एस से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा ये एस वन का है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो अब हम करते क्या है, देखते हैं कि टर्म किसके अधिक है।
तो हमारा ए एस वाला यानी कर्व सीखे, पी आई भी है, टाउ भी है, बी आई है, ये कर्व सीखे है। तो हम क्या करते हैं कि कर्व सीखे आर्क लेंथ को हम एस से मेजर करते हैं, तो हम इसको एस से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चूंकि ये टर्म हमारा इसका आर्क लेंथ है यस वन है, तो इसको क्या करेंगे कि यस वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब डी एस वन बाई डी एस से निकलेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, और S के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन ये है S1 का, तो जिसका टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में, तो इसको डी एक्स वन आई बाई डी एस वन, क्योंकि ये S1 का टर्म है तो S1 के, लेकिन हम कर रहे हैं S के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में किया और तब यह डी एस वन बाई डी एस ऐसा हम लिख लें। तो ये हमने कर लिया, अब इसको हमको फिर से करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो ये सभी यस के ही टर्म में है क्योंकि ये कर्व सी का है, सी वन का होता तो पी वन आता, टाउ वन आता, तो ये कर्व सी का है, कर्व सी का आर्क लेंथ एस है और यस के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए सीधे यस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तब आप देखें यह माइनस पी आई बाई टाउ, तो यहाँ एक क्वेश्चन में दे दिया गया कि कर्व सी का जो टाउ है वो कॉन्स्टेंट है, तो अब वह कांस्टेंट की तरह ट्री होगा, टाउ डैश जीरो दे देगा, तो अब यहाँ से ये माइनस वन बाई टाउ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होकर बाहर आएगा और यह पी आई डिफ्रेंशिएट होगा पी आई डैश, यहाँ डैश हमने किया है एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ गया पहले का हो गया। अब आप देखेंगे कि ये यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा, तभी हमको मिल गया यह बी आई, ऐसा आपको मिल गया बी आई। अब यह डी एक्स वन आई बाई डी एस वन ये जो वैल्यू हमको मिला है तो इसी की वैल्यू हो जाएगा टी वन आई, ये वैल्यू हमको टी वन आई, और यहां से यह डी एस वन बाई डी एस ऐसा आगे, और ये वैल्यू माइनस वन बाई टाउ और पी आई डैश इसकी वैल्यू हम चेंज कर लें, तो टाउ बी आई माइनस कप्पा टी आई और प्लस बी आई ऐसा हो। तब हम क्या करेंगे, इस माइनस वन बाई टाउ से टोटल में मल्टीप्लाई कर, तब यहाँ से टी वन आई टी एस वन बाई डी एस ऐसा कर ले, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस बी आई ये हो गया और यह प्लस यहाँ से कप्पा बाई टाउ, कप्पा बाई टाउ और प्लस बी आई ऐसा हमको मिल गया, तो ये माइनस बी आई और प्लस बी आई ये कैंसिल हो गया, तब आपको आ गया टी वन आई और यह डी एस वन बाई डी एस और यहाँ से कप्पा बाई टाउ कप्पा, तो यहाँ से इसको देखें ये माइनस बी आई से प्लस बी आई लेकिन यह टी आई ये छूटा हुआ है टी आई और यहाँ यह टी आई ऐसा हो गया, तो इसको हम इक्वेशन वन ऐसा लेंगे। लेकिन आपको अभी स्टार्ट में हमने बताया हमको जो कर्व सी वन है उसका कर्वेचर निकालना है, कर्वेचर निकालना है, तो कर्वेचर निकालने के लिए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स आई डैश होगा तो टी देगा और टी को फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी आई डैश होगा तब वो हमको कप्पा देगा, तो अब हमको यह टी वन आई है अब इसकी वैल्यू को अब हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब यहाँ देखें एक कॉन्सेप्ट का यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं जिसका ये पहली बार यहाँ आया है लेकिन आगे इसका यूज पड़ेगा। जब आप देखें कोई इक्वेशन आया है और दो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर एक तरफ और एक यूनिट वेक्टर ये दूसरी तरफ, तो ये यूनिट वेक्टर है ये उसका कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर है उसका कंपोनेंट, इट मीन्स
ये दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो ये टी वन आई और टी आई ये पैरेलल होगा और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए और यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाए। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर इस यूनिट वेक्टर के इक्वल आया है और ये हमारा जो यह डी एस वन बाई डी एस है तो हमारा इसके इक्वल आया। तब हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग तो यहाँ से टी वन आई इज इक्वल टू प्लस माइनस टी आई। ये यूनिट वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल में दोनों ही हो सकता है, एक तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जब ये दोनों एक डायरेक्शन में तो दोनों प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक प्लस एक माइनस। तो इसीलिए यह टी वन आई टी आई के पैरेलल तो प्लस माइनस टी आई, और जब यह टी वन आई और यह टी आई ये प्लस माइनस तब यहाँ से यह डी एस वन बाई डी एस इसकी वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस यह कप्पा बाई टाउ। अब देखें इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे यहाँ से प्लस माइनस कप्पा बाई टाउ और T1 की वैल्यू प्लस माइनस TI तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कंपेयर करके हमने ऐसा लिखा, इसको हमने इक्वेशन टू और इसको हमने इक्वेशन थ्री ऐसा लिख लिया। अब आपके पास T1I आ गया है तो T1I आया है तो हमको T1I डैश चाहिए, क्योंकि जब तक T1I डैश नहीं मिलेगा तब तक हम कप्पा वन P1I नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको टी वन आई वाले टर्म को हम एस के रिस्पेक्ट में चाहे एस वन के रिस्पेक्ट में किसी के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर टी वन आई इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। पर्पज आपको मालूम है टी वन आई डैश रहेगा तभी हमारा कप्पा वन पी वन आएगा और जब कप्पा वन आएगा तो वही हमारा उस कर्वेचर होगा, उसी की वैल्यू निकालने। तो हम डिफ्रेंशिएट with respect to S we get यही। अब देखें जब S के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा S के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह डी टी वन आई बाई डी एस वन बाई डी एस ऐसा हो, क्योंकि ये हमारा ये एस वन के रिस्पेक्ट में होगा और ये हमारा यस के ही रिस्पेक्ट में रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यह टी वन आई इसको यस वन के रिस्पेक्ट में और तब डी एस वन बाई डी एस, लेकिन ये टी आई जो है वो कर्व सीखा और वो एस के ही रिस्पेक्ट में है, तब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा प्लस माइनस टी आई डैश या टी आई डैश ऐसा कुछ। अब हमारा यह जो आएगा यह टी वन आई डैश और यह डी एस वन बाई डी एस और यहाँ से यह टी आई डैश तो इसकी वैल्यू यह प्लस माइनस कप्पा पी आई। अब यहाँ ध्यान देंगे ये हमारा टी वन आई डैश देगा तो ये कप्पा वन पी वन आई देगा और ये हमारा टी आई डैश है तो ये कप्पा पी आई देगा। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे तो यहाँ से यह कप्पा वन और यह पी वन आई और डी एस वन बाई डी एस इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ निकाला जा चुका है ये वैल्यू प्लस माइनस कप्पा बाई टाउ इज इक्वल टू प्लस माइनस कप्पा और पी आई ऐसा हमको अब ये वैल्यू लिख लिया गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारा कैंसिल होगा और कुछ की वैल्यू हमको मिलेगा। अब एक तो देखें कि प्लस माइनस ए भी है प्लस माइनस ए भी है तो एक कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा और तब हमको जो मिला यहाँ से यह कप्पा वन यह कप्पा और बाई टाउ और पी वन आई
ये जो मैग्नीट्यूड है उसको एक पास कर लिया, यूनिट वेक्टर को एक पास कर लिया, और यहाँ से वैल्यू या कप्पा पी आई ऐसा हो गया। अब देख रहे हैं कप्पा यहाँ भी है और कप्पा यहाँ भी, ये यह हमारा कैंसिल हो गया। तब हमको बचा यहाँ से कप्पा वन बाई टाउ, और यह पी वन आई, और यहाँ से केवल पी आई ऐसा आपको मिल गया। अब आप देखें फिर ये दो यूनिट वेक्टर हैं, जब अभी हमारा एक यूनिट वेक्टर एक तरफ है और एक यूनिट वेक्टर एक तरफ है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, इक्वल है तो पैरेलल हो गए यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए और मैग्नीट्यूड इक्वल रहे तो भी वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल तब होगा जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के इक्वल और डायरेक्शन डायरेक्शन के इक्वल, तो डायरेक्शन इक्वल तभी होता है जब वो पैरेलल है। और पैरेलल में दो बातें आती हैं, वो दोनों का डायरेक्शन एक रहे तो भी और अपोजिट एक दूसरे का रहे तो भी, इसीलिए प्लस माइनस लेते हैं। तब इसमें हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग वी है। अब देखें यूनिट वेक्टर, तो यह पी वन आई इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आई, यह यूनिट वेक्टर को किया। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कप्पा वन और बाई टाउ इज इक्वल टू वन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है तो वन। और ये देखें यहाँ से एक कंपेयर करेंगे तो फिर इसका भी जैसे ये प्लस माइनस किए हैं तो इसको भी कंपेयर कर लें मैग्नीट्यूड को भी, तो ये भी वैल्यू यहाँ प्लस माइनस आएगी, क्योंकि ये जो प्लस माइनस प्लस प्लस का प्रोडक्ट तो ये प्लस देगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट तो भी प्लस देगा, तो यहाँ से ये प्लस माइनस वन ऐसा हमको मिला। तो यहाँ से कप्पा वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टाउ ऐसा आ गया। अब कप्पा वन ही हमारा कर्व सी वन का कर्वेचर है और इसकी वैल्यू प्लस माइनस टाउ है, और क्वेश्चन में टाउ को दिया है कि वो कांस्टेंट है, इसलिए कर्व सी वन का जो कर्वेचर हुआ वो हमारा प्लस माइनस टाउ जो कांस्टेंट है वही चीज़ हमको निकालना है। तो विच शोज दैट कर्वेचर ऑफ कर्व सी वन इज कांस्टेंट प्लस माइनस टाउ, ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये प्रोसीजर हमने बताया।